अब जैसे साढ़े साती की आप लोग बात कर रहे थे, तो ये पर्टिकुलरली एक ऐसा गिमिक है जो नॉर्मली 90% एस्ट्रोलॉजर खेलते हैं साढ़े साती से, कि भाई साढ़े साती आपकी कुंडली का सबसे खराब टाइम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी साढ़े साती चल रही है और आप फूड बिजनेस में हैं, आप टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है, आपको प्लेस चेंज करके कुछ और करने जाना है, या लेट से आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक साइकैट्रिस्ट हैं या साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो साढ़े साथी आपके जीवन का स्वर्णिम काल हो सकता है। इनफैक्ट आप ये देखो कमाल की बात के साढ़े साथी जो एस्ट्रोलॉजर्स जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं कि भाई मतलब कोई भी आदमी भाई ठीक है 10 दिन किताब पढ़ी उपाय पकड़े उसमें से और उपाय बांचने शुरू कर दिए, वो बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ज्योतिष का अध्ययन किया है और वो अपने साढ़े साथी के फेस से गुजर रहा है और ज्योतिष का वो निरंतर अध्ययन कर रहा है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो पीरियड उसकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होने वाला है। और बेस्ट पीरियड होने से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उससे पहले उसको अपना लाइफ का पर्पस ना मिला हो, ऑल ऑफ अ सडन उसको पर्पस मिल गया हो। अब इसके पीछे दो रीजन है कि भाई जब हम सैटर्न मून जैसे कॉम्बिनेशन को लेते हैं कुंडली के अंदर, तो साढ़े साती का अर्थ क्या है कि मून के आगे पीछे और मून के ऊपर जब सैटर्न गोचर करेगा आपके नेस जो आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है, जो कुंडली में आपके स्थित चंद्रमा है, उसके ऊपर से जब गोचर का शनि उसके पिछली राशि में, उस राशि में या उससे अगली राशि में करेगा, तब साढ़े साती होगी। और इन साढ़े साती में भी जो सबसे ट्रेजिक फेज जो बोलती है, मतलब जो बुक्स बोलती हैं कि सबसे टफ आपके लिए वो 2.5 साल रहेंगे जब शनि ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा होगा। लेकिन यहां अगर आप देखो तो कैट के अंदर हम ये कहते हैं कि चंद्रमा फूड का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा टूर एंड ट्रैवल का कारक है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इन सब कामों में इन्वॉल्व रहेगा उसके लिए साढ़े साती सबसे बेस्ट टाइम हो जाएगा। अब अगर हम इस कुंडली के अंदर, ये जो आपके सामने कुंडली है, इसमें अगर आप गौर से देखो तो आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा सैटर्न के ट्राइन में, दैट इज सैटर्न मून एंड राहु। अब मून क्या है? चीटिंग है। मून इज चीटिंग, राहु इज मतलब अनएथिकल एक्टिविटीज, ठीक है? तो आपको किसी की भी कुंडली में सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर वो सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया पैसे बना रहा है सैटर्न मून राहु वाला, तो वो 70-80% में आपको अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। वो स्मगलिंग तक करेगा, वो कुछ और भी चीजें करेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। क्योंकि सैटर्न का साथ कौन दे रहे हैं? चंद्रमा और राहु दे रहे हैं। अब चंद्रमा और राहु को आदमी चीटिंग के जरिए और अनएथिकल एक्टिविटीज के जरिए जो है वो यूज करेगा। लेकिन जब आप प्लैनेट को नेगेटिवली यूज करोगे तो इसका अर्थ यह है कि आपका मन जो कि चंद्रमा है, शनि जो कि एक और पीड़ा को दर्शा रहा है, और राहु जो बड़ी है, इसका मतलब आपका मन जो है वो हमेशा अशांत रूप से रहेगा, हमेशा वो पीड़ित ही रहेगा। अब हर व्यक्ति को आप ये सब चीजें करने के लिए तो नहीं बोलोगे, और कहीं बुक्स में ऐसा मेंशन भी नहीं है कि आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। तो अब कैसे इस कॉम्बिनेशन को आप टेक्निकली यूज में लेकर आते हो वो इंपॉर्टेंट है। अब सैटर्न का रिलेशन खाली मून और राहु से तो बन नहीं रहा, सैटर्न का रिलेशन सन, वीनस, जुपिटर, मरकरी से भी बन रहा है, क्योंकि वो ठीक सैटर्न से अगले घर में। लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करने की बात करते हो तो आज आपको यह समझ में आएगा कि जब हम चेंज ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो चेंज ऑफ प्लेस सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं है कि भाई आपने चंद्रमा को उठाया, चेंज ऑफ प्लेस कर लिया और आपका प्रोफेशन जो है वो सेटल हो गया। ठीक ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। प्रिडिक्शंस कैसे बनती हैं और किस तरीके से उनको यूज में लेकर आया जाता है, मैं दो तरीके से आपको इस चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम कहें
कि पानी कौन है, हु इज वाटर ग्रहों में, तो आप क्या कहोगे? चंद्रमा, तो चंद्रमा इज वाटर। हु इज वेरी लार्ज या बहुत बड़ा? राहु, तो राहु इज वेरी लार्ज या ह्यूज। अब आपको जब सबसे बड़ा पानी दिखाई देता है इस पूरी दुनिया में, जब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सबसे बड़ा पानी कहां दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे? समुद्र, ओशियन। तो इसका अर्थ क्या है? ये व्यक्ति यदि अपना चेंज ऑफ प्लेस ऐसी जगह कर ले जहां आसपास समुद्र हो, तो ये व्यक्ति बहुत बढ़िया राइज करेगा। इसलिए जिन लोगों ने दिल्ली जैसी जगहों में या फिर कहीं और, मान लीजिए कह लीजिए नॉर्थ इंडिया में कहीं काम किया हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, और अचानक से वो मुंबई जैसी जगह जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सैटर्न मून राहु या मून राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं 100% एक्टिवेट होगा मिलेगा, 100%। तो इसका अर्थ क्या है कि सैटर्न मून राहु में आप यदि चेंज ऑफ प्लेस करते हैं तो खाली चेंज ऑफ प्लेस से काम नहीं चलेगा, आपको चंद्रमा और राहु दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो एक तो आपको कैट में यह भी समझ में आने वाला है। दूसरा पॉइंट कि हम कैट के अंदर जो पहली कन्या संतान है, कौन पहली कन्या संतान, वो कौन है? वो है चंद्रमा। कर्म कौन है? वो है सैटर्न। और राहु क्या है? राहु दो चीजें दिखाता है, या तो राहु प्रॉब्लम्स की बात करता है या राहु फॉरेन सेटलमेंट की बात करता है। इसका अर्थ जानते हैं क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जब कभी इस व्यक्ति की प्रथम कन्या संतान पैदा होगी, ये व्यक्ति के प्रोफेशन में या तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो यह फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसको आप रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस कुंडली के साथ आपको बाहर से कॉल कर रहा है या ये कह रहा है कि भाई मैं फॉरेन सेटल हो गया हूं और आपको ये योग दिखता है, तो आप पूछिएगा कि ये जो आपके योग बने, आपको कन्या संतान कब हुई? वो बोलेगा भाई मेरे को सन 2000 में हुई। तो क्या आप सन 2000 के आसपास, लाइक 2001 या 2002 में आप यहां पर आए? वो बोलेगा हां जी 100% मैं इसी टाइम पर यहां आया। तो आपको इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, ये जैसे ही कन्या संतान इस व्यक्ति के जीवन में आई, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ प्लेस से भी ज्यादा फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट हो गया। ठीक इसी तरीके से जब आप इसको और सूक्ष्मता से करते हैं तो आपको और बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी फीमेल के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे और दूसरी फीमेल के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे, या तीसरी फीमेल के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे, अब देखिए कि आप कितनी प्रेडिक्शंस यहां से बना सकते हो। सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मार्स सैटर्न वीनस। फीमेल के लिए मंगल हस्बैंड है, सैटर्न काम है, वर्क, वीनस वेल्थ है। जैसे ही इस फीमेल की शादी होगी, इसके हस्बैंड के पास अपने काम से भरपूर धन आएगा। मार्स सैटर्न वीनस 100%। मतलब क्या हुआ कि जिस फीमेल की कुंडली में यह योग बना हुआ है, वो फीमेल अपने हस्बैंड के लिए पारस पत्थर के समान है, क्योंकि जैसे ही वो जाएगी विवाह करके तो मंगल उसकी कुंडली में ट्रिगर होगा। अब मंगल कौन है? हस्बैंड है। वो हस्बैंड आगे किसको ट्रिगर करेगा? सैटर्न को ट्रिगर करेगा। सैटर्न फर्दर किसको ट्रिगर करेगा? वीनस को ट्रिगर करेगा। तो फाइनली क्या होगा? भर भर के पैसा आएगा। अब ऐसे ही इस कुंडली में लगा लो मार्स सैटर्न केतु।
अब ये दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, क्या? पहला ये कि ये जो फीमेल है जिसकी कुंडली में मंगल शनि केतु का योग है, अब यहां पे तीन बातें बनती है। पहली कि ये जो फीमेल है ये जैसे ही विवाह करेगी, विवाह होते के साथ ही इसके हस्बैंड के प्रोफेशन में ब्रेक आ जाएगा, बिकॉज केतु इज ब्रेक, सैटर्न इज प्रोफेशन। फिर आपको कुछ अलग भी सुनने को मिल सकता है, वो फीमेल कह सकती है नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत तरक्की की है मेरे से विवाह करने के बाद। तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी जी मेरे हस्बैंड जो हैं, हस्बैंड यानी कि मंगल, शनि मतलब कर्म, केतु मतलब मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी या लॉ। तो वो बोल सकती है कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल फील्ड में है या एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में है या लॉ फील्ड में है। ऐसे ही आप टॉप पे अगर जाते हैं तो दैट इज मार्स सैटर्न मून, मार्स सैटर्न मून। अब ये अगेन आपको दो चीजें कह रहा है। पहला ये कि जब आपका आपके हस्बैंड से विवाह हुआ तो आपके हस्बैंड का अपने कर्म को लेकर स्थान परिवर्तन हुआ, देयर कैन बी चेंज ऑफ रेजिडेंस या चेंज ऑफ प्लेस, या जिस टाइम आपने अपने हस्बैंड से विवाह किया उस समय आपके हस्बैंड जो रहे हैं वो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व रहे, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से आप पूरा जो ये है सिस्टम वो देख सकते हैं। और आगे लड़की होने पर क्या होगा, लड़का होने पर क्या होगा, घर में मां रहने आएगी तो क्या होगा, घर में आपकी जो सिस्टर इन लॉ यानी कि साली रहने आएगी क्या होगा, ब्रदर इन लॉ रहने आएगा क्या होगा, सेकंड वाइफ के साथ में क्या होगा, वो सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी कि उनको किस तरीके से आपने मेकआउट करना है।